हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज मैं आई हूँ सरिस्का में सिलीसेड झील पे घूमने के लिए, यहाँ पे चाय पीने के लिए। शाम को मेरा मूड था कहीं जाने का, थोड़ा कुछ खाने का तो नहीं लेकिन हाँ हल्का फुल्का चाय या कॉफ़ी पीने का। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया बहुत प्यारी जगह है, तो चलिए इस जगह को चल के एक्सप्लोर करते हैं। सामने ना दो गायें बैठी है, बता हम कैसे निकलेंगे उनके बीच में से? एक गाय एक बैल है। पीछे से तुझे दूर से कैसे पता चला? गाय का हस्बैंड है। नहीं नहीं, ऐसा होता है भैंस के आगे बीन बजाना, गाय के आगे बैल के आगे लेट गया वो तो बिल्कुल ही। दोस्त हट जा प्लीज। इतना हॉर्न बजा दिया, बिल्कुल नहीं हटू। हटा के दिखा तू। उससे भी नहीं हट रहा वो। हॉर्न कैसे बजाया? ओ भाई साहब बिल्कुल गुस्से में है, डीट ले। वो कितना तगड़ा है। अब देख, अब ये हमें गाड़ी में मारेगा टक्कर। सॉरी भाई मजाक कर रहे थे। सॉरी शक्तिवान, मैं मत लियो। सिलीसेड झील हम आ चुके हैं फाइनली। सिलीसेड झील सरिस्का में। सिलीसेड सेठ होता है ना, सेठ वो वाला ठ नहीं है, ढ है ढ। यार ये राजा का किला है, बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है। कितनी अच्छी अच्छी जगह पे बनाते थे ना अपने किले, ये काश मैं भी रानी होती। चलिए अब घूमते हैं इस पूरे किले में, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। आइए मेरे साथ, यहाँ पर इसमें लेटर डाल सकते हो आप। रविवार व अवकाश के दिन नहीं खुलेगा। 1958 में बनाया था। हाँ, सिलीसेड अलवर 1958 राजकीय विश्राम गृह। देखा, विश्राम कर सकते हो अब, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया सब कुछ राजाओं का। यार वो देख वो रूम कितना अच्छा है। उद्घाटन शीला ने किया था, शीला। ओ वाओ यार बहुत अच्छी ना, प्यारी सी जगह लग रही है। आराम से आपको अच्छा सा 1-to-1 अगर टाइम चाहिए अपने लिए तो आप स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पर। झील आ रही है पीछे, मेरी हर फोटो में झील आनी चाहिए क्योंकि मुझे इस झील को ही देख देख के खुशी मिलने वाली है बाद में। बताओ इसके बारे में, जैसे आए यहाँ। देख मुझे इस जगह के बारे में घंटा नहीं पता, मैं किसी को ढूंढती हूँ उनसे पूछती हूँ, फिर पहले मैं समझूंगी फिर आपको समझाऊंगी। आओ हैव सम टी एंड कॉफ़ी। यार ये ना ऐसा घर होना चाहिए हमारा, उसकी बालकनी होनी चाहिए, ऐसे झील होनी चाहिए और कोई भी मिलने विलने आए तो उसको हम ऐसे बिठाएं और फिर हम कॉफ़ी पिए साथ में, है ना। और ये कुर्सियाँ वैसे भी इतनी भारी हैं कि वो देखो वो सेंटर में क्या चीज़ है वो। ज़ूम करके देखता हूँ। अरे टावर है एयरटेल का। यार मैंने पूछ लिया, मैंने आपको बोला वहाँ पे एयरटेल का टावर था, मजाक कर रही थी मैं। वहाँ पर उस जगह में जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर राजा गर्मियों के टाइम में टेंट लगाते थे और फिर उसके अंदर आराम से बैठ के डांस वगैरह इन्जॉय करते थे। और ये जो पर्टिकुलर महल है जिसके अंदर हम लोग घूम रहे हैं, ये भी उन्होंने स्पेशली समर्स के लिए बनाया है। इस टाइम में जहाँ पर खड़ी हूँ ये इस महल की छत है और सारे रूम्स वगैरह इससे नीचे हैं। सारे रूम्स वगैरह यहाँ पर लॉक्ड हैं क्योंकि पूरी बिल्डिंग ये खंडर हो चुकी है, तो सब रूमों के अंदर जो आपका पुराना सामान है वो रख के और सबको बंद कर रखा है। जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला जो पार्ट है, ये इसमें आप लोग भी स्टे कर सकते हो आके। इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, यहाँ पे दो रूम्स बने हुए हैं
तो अगर आप रुकने के मूड में हैं तो उसको ऑनलाइन बुक करके आ सकते हो। अच्छा है यार, नो कमेंट्स। और जो वहाँ पे वो है ना, वो वाली पूरी वो है, वो सर इसका नेशनल पार्क है जहाँ पर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेके चलेंगे। और मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इस पानी के अंदर जाने का, मतलब डूब के मरने का नहीं, बोटिंग करने का। यस, सब रेडी है उनके पास। तुझे क्या लग रहा है पूरा तेरे लिए गैस चढ़ा के बनाएंगे वो? कैसे भी क्या बना यार, भाई वो ये बहुत सारे हैं यार, मुझे डर लग रहा है। मेरे सर पे भी है यार, ये उड़ रहे हैं यहाँ पे, ततैये खाते हैं। नहीं, नाक पे पकौड़ा बन जाएगा मेरे। नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, आप यहाँ पर थोड़ी सर्दियों में आइए। बट मैं थोड़ा, आज मौसम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सर्दी वाला मौसम होगा तो ज़्यादा इन्जॉय करोगे। फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छी है साइलेंट सी जगह। बट स्टे का मैंने बताया सिर्फ 2 रूम है, वो भी पता नहीं कैसे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन घूमने के लिए नो डाउट अच्छी जगह है। और वो देख तेरे पीछे सारी वो भी हैं, मौसी रानी छतरी देख। टाइगर भी दिखाऊंगी मैं आप सबको, टाइगर भी दिखाऊंगी आपको बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी। चाय अच्छी है, अदरक वाली है। यार मेरे पीछे आपको एक टापू दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा आइलैंड सा, उसके पीछे जो जगह है, मतलब मेरे पीछे वो टापू है, उसके पीछे जो जगह है झील, और वो जो बाउंड्री है दीवार की, उसे क्रोकोडाइल एरिया कहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, जूम करके दिखाओ। मगरमच्छ ये जो काला सा है, ये मगरमच्छ है, ये है ना? ऐसे इतनी दूर से तो नहीं पता मुझे, अभी इस टाइम नहीं दिख रहे। अभी सो के नहीं उठे, उनका रेस्ट का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं जिस मर्जी तुम्हारा मन करेगा देखने लग जाओगे उन्हें। ऑफिस गए थे कल? ऑफिस नहीं गए थे, खाते रहते हैं कुछ कुछ, इतना रेस्ट कर करके थकते नहीं है वो, अब और सुपर रेस्ट कर रहे हैं वो। नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्त ये था हमारा सरिस्का फोर्ट, बहुत प्यारा सा महल था राजा का, इसमें बहुत मज़े करते थे, बहुत रिलैक्स करने के लिए जगह बनाई थी, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। अगर आप हैंग आउट के मूड में अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ी सी साइलेंट जगह आपको चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सुंदर है। मुझे स्पेशली ये झील बहुत ही प्यारी लगी। और आपको मैंने बताया ये कि आज की डेट में ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, इसमें 2-3 रूम्स का ऑप्शन है आपके पास, तो अगर आप नाइट स्टे भी इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलो दोस्त, अब थोड़ी देर में आराम से शांति में घूमती हूँ, कैमरा बंद करते हैं और इस जगह का साइलेंस एंजॉय करती हूँ मैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय। बाय भाई साहब, अब भी गुस्सा हो? अभी देखा उसने हमें गुस्से से। यार देखो मुझे कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, वेम्पायर ट्री, पूरा बैट ही बैट है इसके अंदर, इतने सारे चमगादड़ है भर भर के, बाप रे बाप। और सबसे शुक्र की बात यह है कि दिन के टाइम में इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। आई मैंने तो कभी इतने पास से देखा नहीं है ना, बाई चांस एक को दिख जाए फिर क्या होगा ना हमारा। और इनका ऐसा इंप्रेशन आ रहा है जैसे फ्रूट्स लटके होते हैं ना पेड़ पे, ऐसे फलों की तला। मैं तो डर के मारे तुतलाने भी लग गई हूँ भाई, जल्दी से देख ले इन और भाग यहाँ से। अरे यहाँ अजीब सा हो रहा है, देखो सामने भैंस के ऊपर बगुला बैठा है, पेड़ के ऊपर चमगादड़ लटके हैं, भाई कहाँ आ गए हम, कैसे घूम रहे हैं ये गोल गोल। ये रात को क्या करेंगे अब, सारे उड़ेंगे यहाँ से, पार्टी करेंगे थोड़ी देर में, हमारे साथ ही खेलेंगे ये। चल अरे आ गया। यार इन ना, इन चमगादड़ों का एक वो होता है कि ये खून उनका पीते हैं एनिमल्स का, जैसे आपकी बकरी है, भेड़ है, कबूतर है, चिड़िया है, इन सब का ये खून पीते हैं, अपने बच्चों को फीड भी कराते हैं ये।
अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, खून पी के दूध पीते हैं। यार ऐसे मत मुझे कंफ्यूज कर। यस, खून पीते हैं और दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। अभी तक हम बकवास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो बैट होता है वो बर्ड्स के अंदर एक ही ऐसी ब्रीड है जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अदरवाइज ऐसा करके दूध नहीं पिलाते, वो अपने बच्चों को खाना ला के और खिलाते हैं मुँह से, चोंच से चोंच। और दूसरी चीज़ ये है कि ये खून के ऊपर ज़िंदा रहते हैं, ये खून पीते हैं एनिमल्स का, दूसरे एनिमल्स का, जानवरों का कह रही थी। ह्यूमंस का नहीं पीते। मैं पूरा डरी हुई हूँ इससे, गलत सलत। अभी हमने सोचा था ये रात को ही उड़ते हैं, दिन में नहीं उड़ते, तो ये दिन में उड़ भी रहे हैं और बहुत सारा शोर भी कर रहा है, तो आगे चलते हैं।